तो आज हम बात करेंगे वैलेंटाइन डे की। वैलेंटाइन डे, आपको पता है वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे एक डार्क स्टोरी है, डार्क रियलिटी है इसके पीछे, तो आज मैं आपको बताऊंगा। तो वैलेंटाइन जो था किसी पादरी का नाम था। वैलेंटाइन डे कोई मतलब फेस्टिवल नहीं है, एक पादरी जी का नाम था जो यूरोप के रोम देश के पादरी थे। वो प्यार को बहुत महत्व देते थे और वहां के एक राजा थे वो बिल्कुल उनके विरुद्ध थे, बिल्कुल अपोजिट उनके। उनको प्यार और शादी से सख्त नफरत थी और वो उसकी सोच ये थी कि जो हमारे सोल्डर्स हैं, मतलब जो हमारे सैनिक हैं, वो प्यार में पड़ेंगे या शादी करेंगे तो वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से कमजोर हो जाएंगे। लेकिन पादरी की सोच अलग थी, तो इसी सोच के चलते वो पादरी जो थे वैलेंटाइन, उन्होंने कई कपल्स की शादी करवा दी। अब इस चीज का राजा को पता चल गया तो राजा ने उस पादरी को 14 फरवरी के दिन, वैलेंटाइन डे वाले दिन जिसको आप लोग वैलेंटाइन डे बोलते हैं, वैलेंटाइन डे को फांसी पर लटका दिया। तो जो कपल्स थे तो वो उस दिन के बाद 14 फरवरी को सेलिब्रेट करने लगे। तो वहां से चलता हुआ वैलेंटाइन डे के नाम से जो है 14 फरवरी मशहूर हो गया और जो 14 फरवरी को लोग सभी कपल्स जो है वो वैलेंटाइन डे मनाते हैं। तो ये इसके पीछे की स्टोरी थी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसी और जानकारियां लेकर मैं आता रहूंगा। थैंक यू।